हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस। चलो बच्चों, डेली यूज़ के सेंटेंसेस करते हैं और ये बहुत सारे हैं और मैंने इनको चेक किया और इतने इतने वैरायटी मैंने इसमें डाल दी है कि आपको मज़ा आ जाएगा। एक ही सेंटेंस को मैंने अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है और इसमें आपका ग्रामर भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी और आप जो है इंग्लिश में पक्का आपका इंप्रूवमेंट होगा। और ये जो है मतलब आप जो है ना इसमें आपको जब ये पढ़ोगे तो आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होगी। मैंने इस ढंग से इनको बनाया है। अच्छा बच्चों, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। बच्चों मेरे को ना ऐसा है कि आई जस्ट नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि यू हैव टू पे जस्ट 25 रुपीज़ पर मंथ, 25 रुपये पर मंथ। आपने जो अकाउंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उसमें आप ठीक है ना भेज सकते हैं उस अकाउंट के अंदर, तो इससे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी। और इंग्लिश के लिए कंप्लीट चैनल है, और अगर आप नहीं दे सकते तो कोई वाली बात नहीं। तो लेकिन ये वाली बात है कि आप जो है आपको इस चैनल पर कंप्लीट इंग्लिश का आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल इंग्लिश के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अच्छा आगे देखो इसमें, हाउ डज ही अच्छा लुक लाइक, मतलब तो कैसा लगता है जब आप पूछे, लुक मतलब लगना और लाइक की तरह कैसा लगता है, मतलब हाउ डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है, वह कैसा दिखता है। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और किसी घर के लिए, किसी होटल के लिए, किसी जगह के लिए, किसी चीज़ के लिए तो इट लगाते हैं। हाउ डज ही लुक लाइक, वो कैसा लगता है। हाउ डज शी लुक लाइक, वह कैसी लगती है। हाउ डज इट लुक लाइक, ये चीज़ कैसी लगती है। शी हैज़ फेयर कॉम्प्लेक्शन, वो उसका मतलब कि ठीक है वो गोरी है। शी हैज़ फेयर कॉम्प्लेक्शन, COMPLEXION, she has fair complexion। आगे साइन हेयर, यहाँ पर साइन कर दीजिए। आई फॉरगॉट इन हेस्ट, मैं जल्दी में भूल गया। शेम ऑन यू, मतलब आप किसे जब कहते हैं कि शेम ऑन यू, आप पे लानत है, आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा डोंट बी सो ग्रीडी, इतने लालची मत बनो, जितने लालची मत बनो। एड सॉल्ट इन डिश, सब्जी में नमक डाल दो। डिश इज़ ओवर कुकड, सब्जी जल गई है, मतलब थोड़ा ज़्यादा पक गई है। डिश इज़ अंडर कुकड, अभी सब्जी थोड़ी कच्ची है, स्टिल आप लगा सकते हैं। डिश इज़ ओके अंडर कुकड, यानी अभी अभी आपने कहा मतलब पूरी तरह बनी नहीं है। डिश इज़ अंडर कुकड, ओके। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, हमें बातचीत नहीं होती है, हमें बातचीत नहीं होती, हमें लड़ाई झगड़ा हो रखा है। वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, हमें झगड़ा हो रखा है। टेक इट ईजी, कोई नहीं, आराम से काम करो, हड़बड़ाहट में नहीं। टेक इट ईजी, आराम से भाई, आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। एनी कंसर्न यू, आपसे कोई मतलब, कोई आपसे पूछता है तो इसका मतलब ये, वो आप कह रहे हैं आपसे मतलब, एनी कंसर्न टू यू, आपसे कोई मतलब बोलो। इट्स नॉट आर कंसर्न, ये हमारी टेंशन नहीं है भाई। इट्स नॉट आर कंसर्न, ये अब क्यों इसमें क्यों पंगे ले रहा है इसके अंदर। इट्स नॉट आर कंसर्न, ये हमारी टेंशन नहीं है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, ये आपकी टेंशन नहीं है भाई, आपसे कोई मतलब नहीं, आप जाइए यहाँ से। इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, इट्स नन ऑफ योर, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न। CONCERN, आपकी ये भाई, ये आपकी टेंशन नहीं है भैया, आपके को आपका कोई मामला नहीं, आप जाइए यहाँ से, ठीक है। इट्स नॉट योर कंसर्न, इट्स नॉट योर कंसर्न, ओके भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है भाई, जाओ इसमें। आप क्यों इसमें प्रॉब्लम, आप जो है इसमें आप जो है पंगा ले रहे हो आप इसमें, ठीक है। इट्स नॉट योर कंसर्न। माइंड योर ओन बिजनेस, भाई अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। ही डजंट डिजर्व रेस्पेक्ट, वो मतलब कि सम्मान हो, वो सम्मान होने के लायक नहीं है, मतलब इस लायक, वो इस लायक नहीं है कि उसकी इज्जत करी जाए। ही डजंट डिजर्व रेस्पेक्ट, DESERVE, ही डजंट डिजर्व रेस्पेक्ट, ऐसा वो ठीक है, मतलब वो सम्मान के लायक नहीं है। आई एम नॉट इन मूड टू डू एनीथिंग, मेरा कोई काम करने का मूड नहीं है, मेरा थोड़ा सा मूड खराब है। आई एम नॉट इन मूड टू डू एनीथिंग, मेरा कोई काम करने का मूड नहीं है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। सेम मतलब है ये, देखो अलग तरीके से मैं चेंज कर दिया। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, जब आप किसी कहते हैं गुस्से में, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, ओके, भाग जाओ यहाँ से। गेट आउट ऑफ हियर। डोंट गैदर हियर, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी मत करो। डोंट गैदर हियर, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी मत करो, यहाँ पर इकट्ठे मत हो। वियर या फिर पुट ऑन योर मास्क, अपना मास्क पहन लो, अब तो कोरोना हो रखा है इसलिए। पुट वियर योर मास्क, वियर योर मास्क, वियर के बाद ऑन नहीं आता। वियर योर मास्क, अपना मास्क पहन लो, या फिर पुट ऑन योर मास्क, अपना मास्क पहन लो। अच्छा उसके बाद कहता है डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे से बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू विद मी, मुझसे बहस मत करो। यू शुड नॉट आर्ग्यू मी, तुम्हें मुझसे बहस नहीं करनी चाहिए। यू ठीक है, यूर टीचर, पेरेंट्स, हिम ठीक है, या फिर विद, आप देखो यू शुड नॉट आर्ग्यू विद, तुम्हें विद योर टीचर, तुम्हें बहस नहीं करनी चाहिए। योर टीचर, अपने टीचर से, पेरेंट्स से, हिम लड़का है, कोई आदमी है तो हिम, लड़की है या और या औरत है तो हर, और देम मतलब उनसे, ओके ना। तो आपको यू शुड नॉट आर्ग्यू विद योर टीचर, अपने
टीचर से आपको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से तुम्हें आर्ग्यू बहस नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट आर्ग्यू विद हिम, तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए, बड़ा है तुमसे, यू शुड नॉट भी कह सकते हैं, यू शुड नॉट आर्ग्यू विद हर, तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए, यू शुडंट आर्ग्यू विद देम, तुम्हें उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। आगे कहता है नेक्स्ट इसमें, डोंट टॉक बैक टू मी, मुझे पलट के जवाब मत दो, डोंट टॉक बैक टू मी, मुझसे पलट के जवाब मत दो, डोंट टॉक बैक, पलट के जवाब मत दो, ओके, डोंट टॉक बैक टू योर मदर, अपनी मम्मी को पलट के जवाब मत दो, टू योर फादर, अपने पापा को पलट के जवाब मत दो, टू योर टीचर, टू योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को, हिम, उसको, हर उसको, दैम उसको, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, डोंट टॉक बैक टू हिम, उससे पलट के जवाब मत दो, वो तुमसे बड़ा है, ठीक है, तो आप इस ढंग से आप चेंज कर सकते हैं इसको। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, यू शुडंट टॉक बैक टू योर मदर, ये देखो टॉक बैक, ये मैंने यहाँ पर डोंट लगा दिया, यहाँ पर शुड लगा दिया, बात वही है, लेकिन यहाँ पर सलाह के लिए आ गई, यू शुडंट टॉक बैक टू योर मदर, अपनी माँ को पलट के जवाब नहीं देते बच्चे, ओके, यू शुडंट टॉक बैक टू योर मदर, या फादर, या एल्डर ब्रदर, हिम, हर और देम, हिम मतलब लड़के के लिए, अगर आपने चार अक्षर देख लिए होंगे तो आपको पता लग जाएगा लड़का या आदमी हो तो हिम कहेंगे उसके लिए, कि उसको पलट के जवाब मत दो, हर लड़की या लेडी के लिए, देम उनके लिए, तो उसे यू शुडंट टॉक बैक टू हिम, तुम उसे पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, यू शुडंट टॉक बैक टू हर, तुम उसे पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, यू शुडंट टॉक बैक टू देम, तुम उनसे पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, ही टॉक्स बैक टू एवरीबडी, वो हर किसी को पलट के जवाब दे देता है, बदतमीज ना हो तो, ही टॉक्स बैक टू एवरीबडी, वो हर किसी को पलट के जवाब ऐसी जवाब देता है, यू शुड बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, यू शुड गेट पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, सेम मतलब, इसी एक ही चीज को दो तरीके से आपको कहने आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, आई विल पनिश यू, क्या कहता है इसमें, आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा, आई विल पनिश यू, तुम्हें पिटाई करूंगा तुम्हारी, आई विल पनिश यू, योर मदर, फादर विल पनिश यू, तेरी मम्मी या फिर पापा विल पनिश यू, तेरी पिटाई करेंगे, अपने पापा के तो फादर लगा देना, योर मदर विल पनिश यू, तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीटेगी, डांटेगी, मारेगी, सच चिल्ड्रन शुड बी पनिश, ऐसे बच्चों की पिटाई लगनी चाहिए। अच्छा ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, आई कैन अंडरस्टैंड यू, मुझे, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ भाई, मैं तुम्हारी परेशानी समझ, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू आर फीलिंग, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, कोई व्यक्ति जब गुस्सा हो तो आप कहोगे आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू आर फीलिंग, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड यू फीलिंग अनॉयड, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड यू फीलिंग अनॉयड, ANNOYED, आई कैन अंडरस्टैंड यू फीलिंग अनॉयड, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। अच्छा आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू, मैं समझ सकता हूँ तुम किस टाइम से गुजर रहे हो, तुम किस परेशानी से गुजर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू, मैं समझ सकता हूँ तुम किस परेशानी से गुजर रहे हो, आई एम नॉट एट फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है, ही इज़ एट फॉल्ट, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, मोहन या जो भी आपने कहना, योर सन इज़ एट फॉल्ट, तुम्हारा बेटे की गलती है, ही इज़ एट फॉल्ट, उसकी गलती है, शी इज़ एट फॉल्ट, उसकी गलती है, मोहन इज़ एट फॉल्ट, मोहन की गलती है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, देखो एट फॉल्ट का दो या फिर माई फॉल्ट, इट्स आई एम नॉट एट फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है, फिर इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं, देखो एक ही बात को अलग तरीके से कह दिया ना, इट वॉजेंट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी आंटी, इट वॉजेंट माई फॉल्ट, वॉज इट योर फॉल्ट, क्या तुम्हारी गलती थी मम्मी, आप ठीक है ना, मम्मी पूछ रही है या फिर आप अपने बच्चे से पूछ रहे हैं, वॉज इट योर फॉल्ट, क्या आपकी गलती थी, इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये सब मेरी गलती है, इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये सब मेरी गलती है, हु इज़ एट फॉल्ट, ये किसकी गलती है, आई एम नॉट एट फॉल्ट फॉर इट, ये मेरी गलती नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, आई एम नॉट एट फॉल्ट फॉर इट, या फिर एक्सीडेंट जो भी आपने को भी कहना, इट कहना किसी बात के लिए, आई एम नॉट एट फॉल्ट फॉर इट, ये मेरी गलती से नहीं हुआ है, आई एम नॉट एट फॉल्ट फॉर द एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट मेरी गलती से नहीं हुआ है, ओके। नेक्स्ट आगे कहता है, देखो एक ही चीज को मैंने कितने तरीके से चेंज कर दिया, आगे कहता है इज दिस व्हाट यू वांटेड, यही चाहते थे ना तुम, नहीं क्या यही चाहते थे ना तुम, इज दिस व्हाट यू वांटेड, क्या यही चाहते थे ना तुम, अगर इज दिस व्हाट यू वांट, ये तुम क्या तुम यही चाहिए, नहीं यही चाहते हो ना तुम, इज दिस व्हाट यू वांट, इस आपने कोई मतलब आपको गुस्सा आ रहा, आपने कुछ ऐसा करके कर दिया, कुछ हो गया एक्सीडेंट वगैरह था, कुछ गलती हो गई, तो इज दैट व्हाट यू वांटेड, क्या यही चाहते थे ना तुम, इज दिस व्हाट यू वांट, तुम क्या तुम यही चाहते हो ना, ओके मतलब प्रेजेंट के लिए बात हो रही है, पास में कुछ हो गया तब, ये कहते इज दिस व्हाट यू वांटेड, तुम यही चाहते थे ना, इज दिस व्हाट यू वांट, क्या तुम यही चाहते हो ना, यू हैव वन माई हार्ट,
यू हैव वन वन माई हार्ट, यू हैव वन माई हार्ट, तुमने मेरा दिल जीत लिया है, दैट्स द स्प्रिट। अगर कोई अगर कोई जो काम कर देता है जबरदस्ती कहते दैट्स द स्प्रिट, हाँ यस ओके, डोंट इंटरफेयर इन माई डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, मेरे काम में बाधा उत्पन्न मत करो ओके, डोंट मतलब काम में बीच में टोका टाकी मत करो, डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, मैं काम कर रहा हूँ टोको मत मेरे को, मतलब डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, गिव मी अ किलो पोटैटोस, मेरे को एक किलो आलू दे दो ओके ओके, सामान खरीदने के लिए जब आप गए, पिक आउट बिग वंस, ऐसा कुछ छांटा छूटी जब कर रहे हैं सब्जी वगैरह ले, पिक आउट बिग वंस ठीक है, बड़े वाले ले लो, पिक आउट रॉ वंस, कच्चे वाले लेना, कच्चे वाले छांट लो, कच्चे वाले ले लो, रॉ आर ए डब्ल्यू रॉ वंस, पिक आउट रॉ वंस, पिक आउट बिग वंस बड़े वाले ले लो, पिक आउट रॉ वंस आर ए डब्ल्यू रॉ, पिक आउट रॉ वंस कच्चे वाले ले लो, पिक आउट क्लीन वंस साफ वाले लेना, साफ वाले लो ओके, दिस पोटैटो इज रॉटन आर ओ डबल टी ई एन, ये आलू सड़ा हुआ है, आलू सड़ा हुआ, रॉटन मतलब सड़ा हुआ, दिस पोटैटो इज रॉटन, ये आलू सड़ा हुआ, आई थिंक इट इज रॉटन, मेरे ख्याल से सड़ गया, ये खराब हो गया है, इट सीम्स टू बी रॉटन, ऐसा लग रहा है जैसे सड़ गया है, ऐसे लग रहा है जैसे कि सड़ गया, इट सीम्स टू बी रॉटन, ऐसा लग रहा है जैसे सड़ गया, इट अपीयर, देखो सीम लगाओ या अपीयर लगाओ द सेम मीनिंग, इट अपीयर्स टू बी रॉटन, ऐसा लग रहा है जैसे सड़ गया है, डोंट फील बैड, डोंट फील बैड, अरे को बुरा मत मान यार, डोंट फील बैड ओके, डोंट फील बैड, इस बात का बुरा मत मान यार, डोंट फील बैड, बता ऐसा तो होता रहता है यार, डोंट फील बैड, डोंट माइंड, डोंट माइंड, अरे माइंड मत कर यार, ऐसी सब चीज़ें तो होती रहती हैं, आई फील बैड दैट आई फॉरगॉट टू, आई फील बैड दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, यार बड़ा बुरा सा लग रहा है यार मेरे को, आई फील बैड दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, यार मैं तेरे को कहना भूल गया यार, शादी बुलाना भूल गया, जो भी है ठीक है ना, आई फील बैड, आई फील बैड, आई फील बैड, यार मेरा दिल दुख सा, मेरे दर्द मतलब परेशान, मतलब दुख सा हो रहा है यार, आई फील बैड, मतलब मन सा ना, मन सा जिसे कहते हैं जिसमें दुखी होता है, आई फील बैड दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, बड़ा बुरा सा लग रहा है मेरे को, मैं तेरे को नहीं बताया, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, आई फॉरगॉट टू टेल यू, अच्छा ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में देखो एट लगाते हैं, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा, ही इज़ गुड एट मैनेजिंग थिंग्स, वो चीज़ें संभालने में अच्छा है चीज़ें, मैनेजिंग, ही इज़ गुड एट मैनेजिंग थिंग्स, वो चीज़ें संभालने में अच्छा है, एक्सपर्ट है, यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तुम फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पर देखो यू के साथ स्पीक सिर्फ इसमें एस वगैरह नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही शेड वगैरह आता है तो एस लग जाता है, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वह इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है, फ्लुएंटली की स्पेलिंग, देखो आपको ना स्पेलिंग वगैरह आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ठीक है ना, आप पढ़ने की थोड़ी आदत डालो, और ये नहीं कि थोड़ा कर्सिव है, ये तो हम बहुत क्लियर लिख रहा है, कर्सिव जो हैंडराइटिंग होती है उसमें तो आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाओगे फिर कर्सिव हैंडराइटिंग में, तो जो बच्चे लिखते हैं ना, जो पब्लिक स्कूल के बच्चे लिखते हैं उसमें इंग्लिश के अंदर जो लिखते हैं उनकी हैंडराइटिंग इतनी कर्सिव होती है, समझ नहीं आती वो तो फ्लुएंटली, तो यू बच्चे, बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत गंदी हैंडराइटिंग है, उन्होंने अभी बच्चे को देखी नहीं, जो मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी हैंडराइटिंग देखे तो उनको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हो, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वह इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है, शी इज़ आ हार्ट पेशेंट, वो हार्ट की पेशेंट है ओके, इज़ ही आउट ऑफ डेंजर, क्या वह खतरे से बाहर है, येस ही इज़ हाँ है, अगर मना करना है नो ही इज़ंट, नो ही इज़ंट अभी खतरे से, नो अभी खतरे से बाहर नहीं है, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, अब वो खतरे से बाहर है, अब आगे देखो इसमें नेक्स्ट सीख रहे हैं, मैं सीख रहे हैं बहुत सारे हो गए, 101 पहले करवा दिए, तीन बार करवा दिए मैंने, ये चौथी बार है, 400 वर्ड मीनिंग 400 तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, अच्छा कहता है नेक्स्ट, यू नो यू आर रॉन्ग, तुम्हें पता है तुम्हारी गलती है ठीक है ना, तुमने मिस्टेक करी, यू नो यू आर रॉन्ग, तुम्हें पता है तुम गलत हो, एडमिट इट, ये स्वीकार कर लो, एडमिट योर मिस्टेक, अपनी गलती स्वीकार कर लो, एडमिट योर फॉल्ट, अपनी गलती स्वीकार कर लो, मिस्टेक या फॉल्ट इज द सेम थिंग, एडमिट ठीक है ना, एडमिट योर मिस्टेक, अपनी गलती स्वीकार कर लो, एडमिट योर फॉल्ट, अपनी गलती स्वीकार कर लो, एडमिट डिफीट, भाई अपनी हार स्वीकार कर लो, एडमिट डिफीट, अपनी हार स्वीकार कर लो, नहीं हार में कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, डोंट ठीक है ना, डोंट यू एवर एडमिट डिफीट, हमेशा मतलब कभी भी हार स्वीकार नहीं करते ओके, अच्छा कहता है यू नेवर एडमिट योर मिस्टेक, तुम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, व्हाई डोंट यू एडमिट योर मिस्टेक, तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानते, यू नेवर एडमिट योर मिस्टेक, तुम अपनी गलती कभी नहीं मानते, व्हाई डोंट यू एडमिट योर मिस्टेक, तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानते, ही एडमिटेड हिज गिल्ट, उसने अपना अपराध अपना उसने गलती मान ली, ही एडमिटेड ADMITTED गिल्ट GULT, ही एडमिटेड हिज गिल्ट, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, डोंट एक्सपेक्ट टू मच, डोंट एक्सपेक्ट मच, ज़्यादा की उम्मीद मत करो, या डोंट एक्सपेक्ट टू मच, बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत करो,
यू डोंट हैव गट्स टू डू इट, तुम्हें ये हिम्मत करने की हिम्मत नहीं है, तुम्हें साहस नहीं है काम करने का। यू डोंट हैव गट्स टू डू इट, तुम्हें काम करने का साहस नहीं है। यू डोंट हैव गट्स टू टेल हिम, तुम्हें हिम्मत नहीं उसे बताने की, तुम्हें इतना साहस नहीं है। गट्स GUTS, यू डोंट हैव गट्स टू टेल हिम, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि तुम उसे बता दो। आई एम अबाउट टू, देखो ये बहुत पैटर्न बड़ा प्यारा है। आई एम अबाउट टू लीव, मैं बस निकलने ही वाला हूँ। जब आप कहीं जाने लगे आई एम अबाउट टू होता करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू लीव, मैं निकलने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू लीव, बस निकलने ही वाला हूँ। जस्ट आप जब लगाते हैं तो और ज़्यादा तत्परता दिखाते हैं। आई एम जस्ट अबाउट टू लीव, मैं बस निकलने वाला हूँ। वी आर अबाउट टू लीव, हम निकलने ही वाले हैं। द ट्रेन इज़ अबाउट टू डिपार्ट, ट्रेन चलने ही वाली है। द ट्रेन इज़ अबाउट टू डिपार्ट, ट्रेन चलने ही वाली है। आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं निकलने ही वाला था। जैसे कुछ है ना, मैं तुम्हारी कॉल आई, मैं निकलने वाला था। आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं निकलने वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, जस्ट आपने लगा दिया, थोड़ी और तत्परता दिखा दी। आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, मैं बस निकलने वाला था। द मूवी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, फिल्म शुरू ही होने वाली है। स्टॉप बैबलिंग, बड़बड़ाना बंद करो। अच्छा, व्हाट आर यू बैबलिंग अबाउट, तुम काय किस चीज़ के बारे में बड़बड़ा रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? व्हाट आर यू बैबलिंग अबाउट, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या कह, किस चीज़ के बारे में कह रहे हो तुम? ओके, पे नो अटेंशन टू हिम, पे नो अटेंशन टू, इसकी तरफ ध्यान मत देना। कोई लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, पे नो अटेंशन टू हिम, उसकी तरफ ध्यान मत देना। ओके, ही या शी इज जस्ट बैबलिंग, उसे बड़बड़ा रही, खामा खामा बके जा रही है, उसे ध्यान मत देना उसकी तरफ। ही जस्ट बैबलिंग, BABBLE, बैबल होता है बैबल, बड़बड़ाना। ही जस्ट बैबलिंग या शी जस्ट बैबलिंग, वो सिर्फ बड़बड़ा रही है, वो बड़बड़ा रहा है। यू आर अ बैबलिंग ईडियट, तुम हमेशा बड़बड़ाते रहते हो, बकवास करते रहते हो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। यू आर अ बैबलिंग ईडियट, यू आर अ बैबलिंग ईडियट, Why don't you just sit silent, तुम आराम से क्यों नहीं बैठते, तुम आराम से, तुम चुपचाप क्यों नहीं बैठते? Why don't you sit silent, तुम आराम से क्यों नहीं बैठते? He never sits silent, वो he never sits silent, वो कभी शांत नहीं बैठता, कभी आराम से नहीं बैठता वो। ओके, तो ये आपके हंड्रेड हो गए बच्चे, ये मतलब 100 वर्ड मीनिंग हो गए आपके। अभी मेरे को आगे थोड़ा सा ये भी मेरे को आपको करवाना है, ये थोड़ा सा देखो, ये ना आपके अभी मैं फ़ोन कन्वर्सेशन करवाने वाला हूँ। ओके, तो अगले उसमें आप देखना कन्वर्सेशन इसके लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके मज़े आ जाएंगे ग्रामर के लिए। और मैं इसके अंदर आपका जो है दुनिया की बेस्ट बुक रेमंड रफी से आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। किससे देखो, मैं किससे ग्रामर पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ दुनिया की बेस्ट बुक से। तो आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, इसको मैं आपको दुनिया की बेस्ट बुक से ग्रामर पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इंग्लिश, ये कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश है, तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, आपको मजे आ जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।